मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य आज 9 नवंबर 2022 से प्रारंभ हुआ। इसको लेकर मतदाता जागरूकता की रैली कलेक्टर खरगोन के निर्देश अनुसार पुराना कलेक्टर परिसर से उत्कृष्ट विद्यालय तक निकाली गई। अपर कलेक्टर के मालवी, एसडीएम ओम नारायण सिंह, योजना अधिकारी, शिक्षा विभाग चंद्र सिंह मंडलोई ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का समापन उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर हुआ, जहां पर अपर कलेक्टर मालवीय एवं एसडीएम ओम नारायण सिंह के द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम खुश नसीब है जो विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र राज्य भारत में रहते हैं और गणतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदान है। जो मतदाता 18 वर्ष के हो रहे हैं अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ जाए एवं जिनके नाम किसी कारणवश अब तक मतदाता सूची में जुड़े नहीं हैं, उनके भी जोड़ने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। रैली का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। वो लोकतांत्रिक देश है, बच्चे बचपन में थोड़ा थोड़ा पढ़ने भी लगे होंगे कि हम डेमोक्रेसी सिस्टम में हैं। हिंदी में उसको संसदीय या लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। कभी सोचो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे मजबूत आधार स्तंभ होता मतदाता। ध्यान रखना, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि जितने वोटर इस देश में दुनिया में कहीं नहीं, चीन में भी नहीं है, बड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है। प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। वह कॉन्स्टिट्यूशन में इतना मजबूत प्रावधान है कि वह व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी व्यक्ति को अपनी मनपसंद व्यक्ति या राजनीतिक दल या समूह को जो निर्वाचन प्रक्रिया भाग लेता उसको वोट डालता है। आप सब हमारे भविष्य के मतदाता है और नहीं तो मतदाता से जुड़े हुए भरपूर लोग हैं। ये मैं बहुत से घरों में देखता हूँ, मेरे बच्चे हैं। बच्चे किसी भी घर के आधार स्तंभ होते हैं, ज्ञान के स्रोत होते हैं, किसी बात को शुरू करने वाले होते हैं। अगर आप लोकतंत्र में आप सबकी सहभागिता है, आप आगे मतदाता है और मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करें, अपने परिवार के लोगों को प्रेरित करें और आप भी 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं तो मतदाता सूची में नाम जरूर अंकित कराएं और इस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आप भी सहभागी बने। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।